हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बटर चिकन बनाने जा रही थी तो फर्स्ट मैरिनेशन मैंने कर लिया था, सेकंड दिखा रही हूँ मैं आपको। तो फर्स्ट में 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा कागजी नींबू और नमक, ये सबको मिला के एक चिकन में 1 घंटे के लिए रख दिया था मैंने फ्रिज में। अब दूसरा मैरिनेशन कर रही हूँ, इसी में अब दही है, 2 चम्मच दही है, ये टंगी हुई, मतलब पानी नहीं है इसमें, पानी निकाल दिया है। इसमें चिकन में थोड़ा सा मिर्च भी मैंने डाल दिया था, रेगुलर मिर्च नहीं, कश्मीरी मिर्च। अब इस दही में मैंने, ये भी कश्मीरी मिर्च है, काली मिर्च ऑप्शनल है, आपको डालना हो डालें, ना डालना हो ना डालें, ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा डालती हूँ हर चीज़ में, तो डाल रही हूँ मैं थोड़े सा। नमक, नमक उसमें भी डाला है और इसमें भी डाल रही हूँ, थोड़ा 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 दोनों में डाल रही हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रही हूँ, बाकी बाद में डालेगा जब इसका। इसको मिक्स करते हैं, ऐसे में मिला दूंगी, इसमें मिला देना है। इसको मिलाने के बाद मैं 4 घंटे कम से कम रख दूंगी, फ्रीज में ही रखूंगी, फिर आगे का आपको दिखाती हूँ क्या करना है। 1 चम्मच तेल भी डाल रही हूँ मैं इसमें। अब मिला के तेल और सारी चीज़ें रखना है इसे। ये कम से कम 7 घंटे हो गए रखे हुए, फ्रिज में रख दिया था मैंने, अब इसको फ्राई करूँगी मैं। 1 मिनट, अब इसको हाथ से फिर मिला रही हूँ मैं, मिला के फिर डाल दूँगी इसमें। अगर आप लोगों के पास इसको सेकने की, मतलब जब है लकड़ी पे वाले चूल्हे पे या जैसे भी सेक सकते हैं तो सेक लीजिए, हमारे पास कुछ नहीं है सेकने के लिए, इसलिए मैं इसको, ये कट लगा दिया था देखिए चिकन में, थोड़े थोड़े कट लगा दिए थे, तो इसको एक एक करके विदाउट बोन भी आप लोग बना सकते हैं, ये तो बोन वाला है, जैसे इसमें डाल लीजिए, फिर गैस कम कर रखा मैंने। थोड़ा सा बटर भी ऐड कर रही हूँ, पहले तेल डाल दिया था रिफाइन, और भी थोड़ा बटर, क्योंकि पहले बटर डालती तो जल जाता, और गैस अभी तेज़ रखिएगा क्योंकि पानी छोड़ देता है, दही है इसमें तो इसको अभी तेज़ रखना है, बस इसको पकने दीजिए। अब इसकी ग्रेवी, एक साइड में इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो ये हमारे पास 1.5 प्याज है जिसको मैंने काट लिया, देख कैसे रफली काट लिया मैंने, 5 छोटे छोटे टमाटर हैं लाल बिल्कुल, देखिए इस साइज़ के टमाटर हैं, 1 तेज़पत्ता है, 8 से 10 काजू हैं, 6 जवा लहसुन, थोड़ा सा आधा इंच अदरक, और आधा इंच समझिए दालचीनी, 1 लौंग, 4 इलायची छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून तेल डाला है इसमें, और प्याज डाल दिया। इसको लाल नहीं करना, बिल्कुल बस ट्रांसपेरेंट रखना है, हल्का से चला के डालिए, 1 लौंग, 1 थोड़ी दालचीनी, 1 तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन है 5 ही, बल्कि बड़े बड़े 4 जवा डाल देंगे मैं, ये काजू भी डाल देंगे, बस 1 मिनट मुश्किल से, कलर नहीं चेंज होने देना है, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे मैं, ये हो गया, कलर नहीं चेंज करना है इसका, हल्का ट्रांसपेरेंट करना, और इसमें टमाटर डाल देंगे मैं। और ज़रा सा नमक डाल देंगे गलने के लिए,
अभी एक दो मिनट चलाने के बाद इसमें पानी डाल के रख देंगे पकने के लिए, छुपा दो। नमक ज़्यादा ना डालें, कम डालिएगा। इसमें ये हो गया था, इसमें पानी डाल दिया, इसको कम से कम 5-6 मिनट पकने दूंगी। छिलका इसका अगर निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए, क्योंकि मैं छानूंगी नहीं, छानना पड़ता है इसको, लेकिन मैं छानूंगी नहीं, छिलका निकाल दे रही हूँ मैं इसका। ये एक बार चेक कर रही हूँ मैं, हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको गैस तेज़ करके ही रखना, नहीं तो पानी छोड़ेगा, बाद में लगेगी पानी कम हो गया, फिर कम कर दीजिएगा गैस। इसको पलट रही हूँ मैं, देखिए इसको ऐसे पलट लेंगे। अभी ये हमारा चिकन फ्राई हो गया है, सैलो फ्राई, इस करीब 95% तक गल गया है ये, 5% उसमें डाल के ग्रेवी में छोड़ दूँगी तो पक जाएगा। इसको गैस बुझा दूँगी मैं, इसी में छोड़ दूँगी छुपा के। अभी प्याज टमाटर को ठंडा होने के लिए रख रही हूँ मैं, फिर पीसूँगी। अभी तेज़पत्ता जो था ये ऐसे निकाल दूँगी, फेंक दूँगी निकाल के इसे। ये टमाटर प्याज पीस लिया मैंने, अब इसको तेल डाल दिया 1 चम्मच, 1 चम्मच बटर डाला है, ये इसी में भुना हुआ है वो। कश्मीरी मिर्च डाल दी मैंने थोड़ी सी, जलाना नहीं है इसे, कलर के लिए होता है, उसे उगा सक करके जो पीसा मैंने टमाटर प्याज वो डाल दिया। हाफ टी स्पून इसमें धनिया का पाउडर डाला है, भुना हुआ है ये, भुन के पीसा हुआ है बस। अब इसको धीरे धीरे भुनेगा ये, थोड़ा पकेगा, छुपा दे रही हूँ गैस कम करके। इसी में कसूरी मेथी डाल दिया मैंने, ये हमारा मसाला वैसे ही पका होता पहले से, और अच्छी तरह से देखिए तेल भी छोड़ दिया इसमें। अब इसमें पानी डालूंगा, इसे खोला, बहुत पतला नहीं करना है, 5 मिनट में, 5-7 मिनट डाल के उसको पकाऊंगी। आप अपने अंदाज से कितना गाढ़ा रखना, गाढ़ा ही रहता है ये, पतला नहीं होता। ये बटर 1 चमची और डाल दी मैंने, इसी में अब चिकन डाल दूंगी, इसी में चिकन डाल दिया मैंने। इसको कम से कम 7 मिनट और मैं इसी में पकाऊंगी गैस कम करके। ये हमारा बटर चिकन रेडी हो गया है, 7 से 10 मिनट तक मैंने सिम गैस पे पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन कच्चा तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने रख दिया, रेडी है बिल्कुल। अब इसमें मैंने क्रीम नहीं डाला, मलाई डाल रही हूँ मैं, ये मलाई है ये। अब ये मैं सजावट कर रही हूँ मलाई से, चलिए। मैंने तेल ऑयल और बटर मिला के बनाया है, जिसको टोटली बनाना है बटर में वो बटर में बना ले। दूसरी चीज़ और, बच्चे हमारे इसमें शहद या चीनी कुछ डाल देती हूँ तो नहीं खाते हैं, तो मैंने नहीं डाला है, आप लोग डाल लेंगे इसमें, डाल लीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी 1 चम्मच शहद डाल दें या 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, बच्चे हमारे नहीं खाते। और दूसरी चीज़, ये गार्लिक नान, नान के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग बना के खाइए, और ये एक तरह से फेमस डिश है होटलों का, तो बना के खाएं, अच्छा लगता है ये, और कोई टाइम वाइम नहीं लगता, आराम से बन जाता है।
तो बनाइए खाइए, और सब हमारे तरीके से, और भी तरीके हैं बनाने के, लेकिन इस तरीके से बना के देखिए अच्छा लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।